दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको जॉयस्टिक की प्रोग्रामिंग करना सिखाऊंगा आर्डुइनो आईडीई में। जॉयस्टिक एक्स और वाई डायरेक्शन के लिए एनालॉग आउटपुट देता है, मतलब हम इससे इनपुट ले सकते हैं आर्डुइनो में, जिसकी मदद से हम किसी भी मोटर को रिवर्स फॉरवर्ड मूव कर सकते हैं या रोबोट को लेफ्ट राइट टर्न कर सकते हैं। ये हमारा जॉयस्टिक जिसकी प्रोग्रामिंग में आपको करना सिखाऊंगा आर्डुइनो आईडीई में, ये चारों डायरेक्शन में फ्रीली मूव करता है और ये एक एनालॉग इनपुट देता है हमारे आर्डुइनो को। तो इसकी मदद से हम आर्डुइनो की आईडी में प्रोग्रामिंग करेंगे, किस तरह से इससे हम इनपुट ले सकते हैं। आप इसको जब ओपन करके देखते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर जो है पांच पिन से एक ग्राउंड, एक पॉजिटिव 5 वोल्ट, एक एक्स एक्सिस के लिए, दूसरा वाई एक्सिस के लिए और एक इसमें स्विच भी है, आप देख सकते हैं। ये तो हमारा बीच में जॉयस्टिक और यहाँ साइड में एक स्विच है, जब हम इसको ऊपर से प्रेस करते हैं तो वो स्विच जो है प्रेस होता है, जो कि डिजिटल स्विच होता है। तो इसे हम प्रेस करके डिजिटल स्विच, एक डिजिटल स्विच का इनपुट भी ले सकते हैं। तो हम इससे एक्स और वाई एक्सेस को कैसे रीड करेंगे आर्डुइनो आईडीई में, ये प्रोग्रामिंग मैं आपको आज सिखाऊंगा। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है और इसकी मदद से हम रोबोट कार्ट बना सकते हैं, जिसमें हम लेफ्ट राइट टर्न करवा सकते हैं, फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट दे सकते हैं। बहुत ही यूजफुल इंस्ट्रूमेंट है ये और इसकी प्रोग्रामिंग भी बड़ी ही आसान है। तो ये हमारा आर्डुइनो बोर्ड है, हमें इस एक्सपेरिमेंट में आवश्यकता रहेगी एक जॉयस्टिक की, एक आर्डुइनो बोर्ड की, और आर्डुइनो का यूनो हमने यूज किया उसका क्लोन है, और हमें चाहिएंगे कुछ कनेक्टिंग वायर्स, बस केवल इतना ही। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आर्डुइनो को साइड में रखते हैं और यहाँ पर ये जो वायर्स है यहाँ जॉयस्टिक में कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं पांच पिन से, तो हमने एक वायर का कनेक्टर लिया है जो मेल टू फीमेल है, और इसमें जो ये फीमेल वाले जो कनेक्टर से हम इसमें यहाँ जॉयस्टिक में कनेक्ट कर देंगे। कोई भी वायर कहीं भी कनेक्ट कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन हमें याद रखना होगा कि कौन सा हमने पावर में दिया है, कौन सा एक्स और वाई एक्सिस के लिए है, कौन सा डिजिटल स्विच के लिए है। तो ये हमने यहाँ पर वायर्स कनेक्ट कर दिए हैं और इसे हम कनेक्ट करेंगे हमारे आर्डुइनो में। तो ये आर्डुइनो का यूनो का क्लोन है, आर्डुइनो ओरिजिनल भी आप यूज करते हो भी सेम है। ये येलो वायर जो है डिजिटल स्विच के लिए है, हालांकि इसकी प्रोग्रामिंग मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि डिजिटल और एनालॉग की प्रोग्रामिंग मैं आपको पहले बता चुका हूँ किस तरह से डिजिटल स्विच को कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसे हम किसी भी एक वायर पे कनेक्ट कर देते हैं, किसी भी एक पोर्ट पे कनेक्ट कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर ये 5 वोल्ट प्लस का वायर है जो कि हमारे जॉयस्टिक को 5 वोल्ट प्लस देगा, ये जो बैंगनी वायर है वायलेट वो, और ये ग्रे वायर जो है ग्राउंड में कनेक्ट किया है मैंने। और यहाँ पर ये दो वायर कर देख सकते हैं आप, ये एक्स और वाई एक्सिस के लिए है, तो ये इस एनालॉग पिंस में कहीं भी कर सकते हैं। तो हम ब्लू वायर जो है यहाँ पे A0 पे कनेक्ट करते हैं और जो ग्रीन वायर है उसे हम A1 पे कनेक्ट कर देंगे। ये यहाँ मैं इसे कर देता हूँ। ओके, तो ये इस तरह से आर्डुइनो की वायरिंग हमने कर दी है, जॉयस्टिक की वायरिंग आर्डुइनो बोर्ड पे हमने कर दी है, और एक यूएसबी केबल से हम इस आर्डुइनो बोर्ड को हमारे सिस्टम से कनेक्ट करते हैं। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ अपने लैपटॉप का स्क्रीन कास्ट। तो अब मैं जो आपको है अपने लैपटॉप के स्क्रीन कास्ट पे ले आया हूँ, और यहाँ हम देख रहे हैं एक कैमरा की मदद से कि ये हमारा जॉयस्टिक है और इस जॉयस्टिक को हमने आर्डुइनो बोर्ड से कनेक्ट कर रखा है इन वायर्स की मदद से। और अब मैं इसकी प्रोग्रामिंग करना सिखा रहा हूँ, बहुत ही सिंपल है। आर्डुइनो प्रोग्राम को, आर्डुइनो आईडी को हम ओपन करेंगे और फाइल में जाएंगे। फाइल में जाके हम एग्जाम्पल्स में, बेसिक में जाके मैंने आपको पहले प्रोग्रामिंग सिखाई थी कैसे एनालॉग सीरियल रीड करना है, कैसे डिजिटल सीरियल रीड करना है, ठीक है। तो ये प्रोग्राम आपने देख ही लिया होगा, ये वाला वीडियो मेरा देख ही लिया होगा। अभी मैं आपको एनालॉग रीड सीरियल में वापस ले जाता हूँ और यहाँ पर हम इस प्रोग्राम को मॉडिफाई करके जॉयस्टिक से इनपुट लेना सीखेंगे। तो ये हमने यहाँ पर ओपन किया हमारा एनालॉग रीड सीरियल वाला एग्जाम्पल, और इसे मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप इसको अच्छी तरह से देख सकें पूरा प्रोग्राम एट वन स्क्रीन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सीरियल डॉट बिगेन किया है हमने, ताकि सीरियल पे हम इसका आउटपुट देख सकें। वॉइड लूप में हमारे जो प्रोग्राम से जो लूप में हमें चलाने हैं वो है, थोड़ा और जूम इन कर देता हूँ मैं। ओके, तो हमारा पूरा प्रोग्राम यहाँ पर एट वन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। यहाँ से हमारा प्रोग्राम शुरू हुआ वर्ड सेटअप, जिसमें सीरियल बिगेन किया,
और यहाँ पर वर्ड लूप और इंट सेंसर वैल्यू। सेंसर वैल्यू जो है हमने इस प्रोग्राम में यूज़ किया है, इसको हम चेंज कर सकते हैं। हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हमने जो ये ब्लू वायर यहाँ यूज़ किया है A0 पर, तो A0 पर जो रीड होगा वो क्या होगा, यहाँ मैं आपको इस में जॉयस्टिक में बता देता हूँ। जो ब्लू वायर है वो कनेक्टेड है एक्स एक्सिस पर। आई डोंट नो आप इस पीसी कैमरा में देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन ये जो है ब्लू वायर जो है A0 पर जो कनेक्ट किया है वो एक्स एक्सिस पर है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सबसे पहले तो ये सेंसर वैल्यू जो लिखा है इस वेरिएबल का नेम चेंज करके एक्स एक्सिस कर देता हूँ, ताकि जो ये एनालॉग रीड होगा A0 पे वो एक्स एक्सिस की वैल्यू बताएगा कि हमारा जो जॉयस्टिक एक्स एक्सिस में कितनी वैल्यू यहाँ शो कर रहा है, ठीक है। और एक और हम वेरिएबल यूज करेंगे वाई, लेकिन अभी नहीं, अभी हम केवल एक्स एक्सिस पे इसके प्रोग्रामिंग करके देख लेते हैं किस तरह से रीड कर सकते हैं, तो फिर बाद में हम उसको वाई एक्सिस पे भी कर देंगे। तो प्रोग्राम रेडी है हमारा, हम इसे अपलोड कर देते हैं। अपलोड का बटन मैंने दबा दिया है और आप देख सकते हैं कि ओ एक एरर है। एरर क्या है दोस्तों, हमने सीरियल डॉट प्रिंट किया है और यहाँ सेंसर वैल्यू, सेंसर वैल्यू नाम का वेरिएबल रहा ही नहीं हमारे प्रोग्राम में, हमने इसको चेंज करके एक्स एक्सिस कर दिया है, तो इसे भी हम यहाँ से हटा के लिख देंगे एक्स एक्सिस, ठीक है। तो सीरियल डॉट प्रिंट LN मतलब सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट करो लाइन, कौन सी लाइन, जो कि एक्स एक्सिस की वैल्यू शो करेगा, और एक्स एक्सिस की वैल्यू क्या होगी, जो कि एनालॉग रीड करेगा A0 पे। ओके, तो अब हम इसको कंपाइल करते हैं प्रोग्राम को, अगर कोई और एरर होगा तो हमें पता चल जाएगा, तो कोई एरर नहीं है, वेरी गुड। हम इसे अपलोड करते हैं और ये हमारा प्रोग्राम अपलोड होना शुरू हो गया है। अपलोडिंग, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ लाइट से भी टिमटिम करेगी, और डन अपलोडिंग, प्रोग्राम हमारा लोड हो गया है। फाइन, तो अब हम टूल्स में जाएंगे और सीरियल मॉनिटर ओपन करेंगे। यहाँ पर हम सीरियल मॉनिटर पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा सीरियल मॉनिटर आ गया है, और बिल्कुल विद इन 1 मिलीसेकंड के डिले पे ये वैल्यूज को रीड कर रहा है, केवल एक्स एक्सिस की वैल्यू अभी रीड हो रही है। तो मैं इस जॉयस्टिक को आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैं इसे यहाँ से मूव करता हूँ, जैसे मैं इसको फॉरवर्ड में मूव कर रहा हूँ आगे की तरफ, तो आप देख सकते हैं वैल्यूज जीरो हो गई है। जब मैं फुल लेंथ आगे तक ले गया हूँ तो वैल्यू जीरो हो गई है, और थोड़ा हल्का हल्का पीछे लेता हूँ तो बीच बीच में वैल्यू जो है 500 और जीरो के बीच में हो रही है, और मैं एकदम पीछे तक ले जाता हूँ जॉयस्टिक को तो इसकी वैल्यू हाईएस्ट हो जाती है, जो कि है 1023। ओके, और धीरे धीरे मूव करता हूँ मैं वापस ऊपर की तरफ, तो ये वैल्यूज जो है धीरे धीरे कम होती जाती है, और सेंटर में जो इसका जीरो एक्स और वाई एक्सिस के बीच का सेंटर पॉइंट है वहां पर इसकी वैल्यू रहती है लगभग 500 दोनों की, एक्स एक्सिस की भी वैल्यू लगभग 500 रहेगी और वाई एक्सिस की वैल्यू भी 500 रहेगी। ओके, तो हम इसे जो है हमारे सीरियल मॉनिटर पे देख सकते हैं, सीरियल प्लॉटर पे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं जब इसको मूव करता हूँ तो ये नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब जीरो की तरफ आ रहा है 500 से। ओके, और जब इसको वापस पीछे की तरफ ले जाता हूँ तो ये चढ़ के ऊपर आ जाता है, जो कि इसका जीरो पॉइंट कहाँ रहेगा, बीच में जो पॉइंट है वो 500 पे रहेगा, और इसको मैं जब पीछे की तरफ खींचता हूँ तो ये 1024 तक ऊपर तक चला जाता है, 1023 तक, ठीक है। तो ये हमने एक्स एक्सिस को तो रीड करना सीख लिया, अब हमें वाई एक्सिस भी यहाँ पे रीड करना है, तो बहुत ही आसानी से हम इसे कर लेंगे, जैसे हमने एक्स को किया है वैसे ही हमें वाई को करना है, हमें एक और वेरिएबल डिक्लेयर करना रहेगा। फिलहाल इसको खेलने में मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा है सीरियल मॉनिटर प्रिंटर के साथ, सीरियल प्लॉटर के साथ। ओके, तो ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, बड़ा ही सिंपल था। अब अगेन हम हमारे प्रोग्राम की तरफ चलते हैं, और इसके अंदर मैं अब आपको बताता हूँ ये सब सही है, बस यहाँ पर जो एक्स एक्सिस वेरिएबल डिक्लेयर किया था, हम एक और वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे जो कि वाई एक्सिस हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर ये लिखा, और जैसा कि हम जानते हैं कि ये A1 पर रहेगा, तो यहाँ पर A1 कर देते हैं, और ये जो x एक्सिस है यहाँ पर जो हमने x एक्सिस को प्रिंट किया है, यहाँ पर हमें y एक्सिस भी प्रिंट करना है, तो इसे भी कॉपी पेस्ट कर देते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें
यहाँ पर भी पहले y कर लेते हैं, y एक्सिस जो कि एनालॉग रीड A1 पे है, और यहाँ सीरियल मॉनिटर पे हमें प्रिंट चाहिए किस चीज़ का, जो कि y एक्सिस की रीडिंग होगी। ओके, और y एक्सिस की रीडिंग क्या होगी, जो भी एनालॉग A1 पे रीड किया जाएगा। तो अब हमारा प्रोग्राम कंप्लीट है और हम इसे अपलोड कर देते हैं। तो ये कंपाइल होगा अपलोड होने से पहले, अभी कंपाइल हो रहा है। ओके, डन अपलोडिंग। तो हमारा प्रोग्राम जो है अपलोड हो चुका है। अब हम एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में जब भी मूव करेंगे तो वहां पर वैल्यूज जो है दोनों एक्सेस की शो होगी। अब हम टूल्स में जाएंगे, टूल्स में जाकर हमने जो है हमारा सीरियल मॉनिटर ओपन किया और आप यहाँ देख सकते हैं दो वैल्यूज यहाँ रीड की जा रही है, एक्स और वाई की। और जब मैं इसको एक्स एक्सिस में ऊपर तक ले जाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ऊपर की वैल्यूज, एक की वैल्यू कम हो रही है, दूसरा वैल्यू जो है फिक्स्ड है क्योंकि वो दूसरे एक्सिस की है। दूसरे एक्सिस में मैं इसको मूव कर रहा हूँ तो एक एक्सिस की वैल्यू मैक्सिमम आ रही है। ठीक है, तो इस तरह से हम एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन को जो है दोनों एनालॉग इनपुट्स को हम रीड कर सकते हैं एक साथ सीरियल मॉनिटर पे, और इसकी मदद से, इसी प्रोग्रामिंग की मदद से हम इससे अलग अलग फंक्शन करवा सकते हैं या एक से ज़्यादा डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। नॉर्मली हम किसी मोटर को कंट्रोल कर सकते हैं एक्स और वाई डायरेक्शन में। तो फिलहाल आप देख सकते हैं मैं इसको जब सर्कुलर वे में घुमा रहा हूँ तो आप देख सकते हैं दोनों सेंसर्स की वैल्यू मैक्सिमम आ गई है। अब यहाँ पर धीरे धीरे और मूव कर रहा हूँ तो एक की मैक्सिमम है, एक की हाफ है, और देख सकते हैं एक की जीरो है और एक की हाफ वैल्यू आ रही है। ठीक है, मतलब 500 मतलब हाफ हो गया और जीरो मतलब इसका एकदम जीरो हो गया, नील हो गया, और 1023 मतलब मैक्सिमम हो गया एक एक्सिस पे, तो दोनों एक्सिस पे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सीरियल प्लॉटर मैंने लिया है यहाँ पर जो है, पिछली बार जो हमने केवल वन डायमेंशन में देखा था एक्स डायमेंशन में तो अलग ग्राफ आ रहा था, और यहाँ पे अभी टू डायमेंशनल में आ रहा है तो अलग ग्राफ आ रहा है। तो इनमें से एक वैल्यू जो है वो व्हाइट वाली जो है वो एक्स के लिए, और जो ये डार्क ब्लू वाली जो वैल्यूज आ रही है ये वाई के लिए है। तो इस तरह से हम जो है हमारे सीरियल प्लॉटर पर एक्स और वाई डायरेक्शन का ग्राफ देख सकते हैं। दोस्तों, मेरे इस आर्डुनो की प्रोग्रामिंग सीरीज में जितने भी वीडियोस हैं उनको जरूर आप देख लें एक बार, क्योंकि मैंने छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स आपको आसान लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है। और ये सभी कॉन्सेप्ट, सभी प्रोग्रामिंग के जितने भी लॉजिक्स मैंने यहाँ सिखाए हैं, जितने भी टूल्स मैंने सिखाए हैं, उन सबका यूज करके हम आगे रोबोटिक्स में कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। मैंने पिछला जो प्रोजेक्ट बताया था आपको IR रिमोट कंट्रोल कार का, वो आपने जरूर देखा होगा, उसका प्रोग्राम भी मैंने वहाँ पर दिया है, आप वैसा कार बना सकते हैं। हालांकि उसकी जो बेसिक प्रोग्रामिंग थी कि IR सेंसर को कैसे सेंस करना है, कैसे रिसीव करना है, IR रेस को कैसे डिकोड करना है, वो मैं आपको अपने आगे इन ट्यूटोरियल वीडियोस में जरूर सिखाऊंगा। दोस्तों, जिस एग्जांपल पर हम अभी काम कर रहे थे उसी एग्जांपल को मैंने थोड़ा और एडवांस किया है, और इस जॉयस्टिक की मदद से मैंने कुछ मोटर्स को कंट्रोल किया है। आप देख सकते हैं दो मोटर्स मैंने यहाँ पर लगाई है, जो एक एक्स एक्सिस को शो कर रही है फॉरवर्ड और रिवर्स में, और दूसरी मोटर जो है वाई एक्सिस को शो कर रही है रिवर्स और फॉरवर्ड में। ठीक है, और आप देख सकते हैं जो सीरियल मॉनिटर वहाँ आप ओपन है वो उसका डायरेक्शन भी शो कर रहा है कि अभी मोटर लेफ्ट में चल रही है, रिवर्स में चल रही है, फॉरवर्ड में या राइट में टर्न कर रही है। ठीक है, तो इस तरह का प्रोग्राम, जब ये प्रोग्राम पूरा हो जाएगा तो मैं आपको पूरा एक रोबो बना के आपको प्रोजेक्ट के रूप में दिखाऊंगा, और इसका एक्सप्लेनेशन पूरा दिया जाएगा और ये प्रोग्राम का कोड भी दिया जा सकता है। अभी आप देख सकते हैं मैं जैसे इसको मूव कर रहा हूँ फॉरवर्ड, तो फॉरवर्ड लिखा हुआ आ रहा है, लेफ्ट टर्न करता हूँ तो लेफ्ट, और राइट टर्न करता हूँ तो राइट लिखा हुआ आ रहा है। तो इस तरह से सीरियल मॉनिटर भी हम इसको रीड कर सकते हैं।